फेयरवेल से कभी ये मतलब नहीं है कि आप को ये बताया जाए कि आप कैसे तैयारी करो, कैसे पढ़ो, कैसे रहो, आपको लाइफ में करना क्या है, ये बच्चे करते इसकी नहीं है। कितने बच्चों ने टेंथ जो बैठ के होंगे शायद परमोटेड होंगे आजकल कोरोना वाले, शायद सभी लोग, और टेंथ वाले पहली बार बोर्ड थे, ट्वेल्थ वाले परमोटेड बैठ गए, बैठक है इसलिए कि आप जब भी लाइफ में, जैसे मुझे याद है कि आप परमोटेड हैं, आपकी मार्कशीट जब किसी के सामने जाएगी तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, एक्स्ट्रा हो, लेकिन कहेगा कि परमोटेड वाले हो गए, पास हो गए, एक जो माइंड सेट थोड़ा वो डिजाइन हो जाता है आपके साथ। आज अगर ये दिमाग में है कि विदाई समारोह है, फेयरवेल पार्टी, तो गलत है। नहीं, आज अपने टीचर्स के जो स्पीच है उसमें से किसी एक शब्द को पकड़कर क्या सीख कर जाएंगे, शायद जो नंगे बातें चलती हैं, जो स्पीच निकलती, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ कम अच्छी होती, कुछ ज्यादा अच्छी होती, आप उनको पकड़ते किसको, क्योंकि टीचिंग तो खत्म हो गई, ये लास्ट टीचिंग है आपका जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लास्ट टीचिंग डे है आपके लिए। आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। आज के बाद से कोई आपको सस्ते जोक सुनाएगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इंस्पायरिंग कोटेशन आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन टीचर आपको नहीं समझाने वाला, नहीं बताने वाला है। इसलिए अगर आप टीचर से कुछ सीख लिया है तो आज तक टीचर का जो टीचिंग चैप्टर है वही फेयरवेल है आपके लिए। अगर नहीं सीखा है तो जैसे रेगुलर होता है, स्कूल आते गए, जाते गए, आते, लेकिन कुछ बच्चों ने सीख लिया,